अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 1, द कलेक्टर ऑफ स्लाइस ब्रेड। इस पोइम में हमें यह बताया गया है कि एक टीचर हैं, उन्होंने बच्चों से हॉबीज़ के बारे में पूछा। कुछ बच्चे स्टैम्प कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ की बुक रीडिंग है, कुछ बच्चों की कॉइन्स कलेक्टिंग है, पर एक बच्चा है जो इसके बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो है स्लाइस ब्रेड। टीचर ने उससे पूछा कि ये तो बहुत देर तक हम इसको सेव भी नहीं कर सकते, तो आपने यही क्यों आपके माइंड में आया है। तो वो फिर बच्चा बताता है कि मैंने किस वजह से ये कलेक्ट करने के बारे में सोचा है। तो ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। टीचर टोल्ड मी आई शुड डू इट, दैट्स द रीज़न आई गॉट हुक्ड। एवरीवन शुड हैव अ हॉबी, सेविंग स्टैम्प्स और रीडिंग बुक्स। In your bedroom, choose a shelf. Set aside a special session. Find something you really like and build a specialistic collection. टीचर ने मुझसे कहा कि मैं कर सकता हूँ, इसी वजह से मैंने वही किया या मैं उसको करने के लिए झुक गया। हर इंसान की एक हॉबी होती है, टिकटें बजाना और रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना। इन योर बेडरूम, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अपने रूम में एक शेल्फ़ को मुख्तस कर लें या अपनी शेल्फ़ को सिलेक्ट कर लें कि जिस पे आपने जो भी कुछ आप कलेक्ट करने हैं वो आपने उसमें सेव करके रखना है उस जगह पे, अपने मतलब जो एक शेल्फ़ को आप रख लें, ठीक है, और वहाँ पे आप अपनी से जो चीज़ों को आप सेव कर रहे हैं उसको वहीं पर आप रखते जाएँ, ठीक है। आई डिड वॉट माई टीचर सेड, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि मैंने तो वही किया जो मेरी टीचर ने कहा। बट नाउ दे से डैट आई एम ब्रेन डेड, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मेरा दिमाग मरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैंने तो वही सब कुछ किया जो मेरी टीचर ने कहा है, पर आप वो मुझे ऐसा क्यों कह रही है कि तुम्हारा दिमाग मरा हुआ है, तुम्हें मतलब जैसे हम कह देते हैं कि इस बच्चे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही इस बात की कि जो मैं कहना चाह रही हूँ, ये बच्चा किस तरह कर रहा है, ये क्या इसने मतलब बेवकूफ़ी की है, ठीक है। आई चूज़ द राइट थिंग दैट आई लव मोस्ट, आई एम द कलेक्टर ऑफ स्लाइस ब्रेड। अब ये कह रहा है कि मैंने तो सिर्फ वही किया जो मुझे पसंद है, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मैंने तो वही किया और मैं एक ब्रेड की स्लाइसिस को कलेक्ट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये है कि टीचर ने बच्चों से ये कहा था कि आपको जो जो चीज़ें पसंद हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगती हैं, आप वही कलेक्ट करें। अब पर बच्चे को तो स्टैम्प वो स्लाइस ब्रेड के जो है वो कलेक्ट करना पसंद है, तो वो तो वही कर रहा था। तो पर टीचर ने फिर उससे ये बात की बोली कि आपका तो दिमाग ही नहीं है, ये आपने क्यों किया है, ठीक है। वाई वुड समवन सेव स्लाइस ब्रेड, इज़ इट अ लेजिटिमेट टास्क, व्हाट डू यू डू विद इट आफ्टरवर्ड्स, दीज आर क्वेश्चन अडल्ट आस्क। क्या ब्रेड की स्लाइसिस को जमा करना एक जायज़ टास्क है या ठीक टास्क है, हर कोई जो समझदार इंसान है या बालिग है वो यही क्वेश्चन करेगा, उसके माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि एक ब्रेड की स्लाइसिस को इकट्ठा या सॉरी जमा करना क्या ये ठीक टास्क है। सम सेव स्टैम्प्स सम सेव व्हेल्स, कुछ जो है स्टैम्प्स को मतलब टिकट्स को जमा करते हैं, कुछ जो है व्हेल्स को मतलब जमा करते हैं या बचाते हैं। एवरीवन सेव्स समथिंग राइट आई सेड, मतलब हर इंसान कुछ ना कुछ जो है वो सेव करता ही है। आई यूज टू सेव दोज पॉकेटिंग कार्ड, नाउ आई एम द कलेक्टर ऑफ स्लाइस ब्रेड। मैं पहले पॉकेटिंग कार्ड को करता था, कलेक्ट करता था, और अब मैं ब्रेड की स्लाइसिस को करता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो आगे इंशाल्लाह हम ये जो रह गया आपका ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगी, और इसको आप अच्छी तरह से दोबारा रीड कीजिएगा तो फिर आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है।